तो भाई पहुंच गए हम यहाँ पे भटोई कि मुझे जाना है केरला। ये मुझको बैठा देते थे, कहते थे एक घंटे तक यहीं बैठे रहोगे तो आइसक्रीम लाऊंगा। पूरी ईद कुर्ते बनाने में बिता दिया। यही थी जीन्स, अब आ चुकी है, जल्दी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी मैं निकला था, जस्ट अभी बात बात कर रहा था इधर उधर, और यहाँ पे आया तो ये दिख गया, मैंने कहा पी लेते हैं। तो यहाँ का भी टेस्ट अच्छा है, लेकिन मेरा एक वो है कि मुझे जाना है केरला या इस साइड जहाँ पे ये सब आते हैं, एक बार वहाँ भी जाके इसको पीना है। वहाँ का सुनने में आया टेस्ट बहुत रिफ्रेशमेंट रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं बाबा सोशल व्लॉग, ऐसे व्लॉग मत होता सही है, फलग व्लॉग्स बहुत लेली बोल दिया, कोई बात नहीं। आज आए हुए थे अपने छोटे वाले नाना से मिलने, ये सबसे छोटे नाना, बड़े बड़ा मतलब इनके साथ हमने बहुत मज़ा किया है। ये बताएं क्या करते थे जब मैं छोटा था, ये मुझको बैठा देते थे, कहते थे एक घंटे तक यहीं बैठे रहोगे तो आइसक्रीम लाऊंगा। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं, वहाँ से निकल गया था मैं, उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं दादी से मिलने, अपनी दादी हैं यहाँ पर, तो उनसे मिलने आए, मिल लेते हैं फिर उसके बाद घर, और तुरंत निकलेंगे फिर लखनऊ के लिए। तो भाई अभी आ चुके हैं वापस अपने बड़े अब्बा के घर पे, और बस अब चल रहे हैं वापस, और तुरंत अब सामान वामान लेके वापस चलना है लखनऊ। और वक्त हो रहा है करीब 2 बज रहा है, पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम में हो जाएगा 6 से 7। कुछ नहीं, वहाँ का इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि दादी थी, और मेरा ये मानना है कि भाई जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, नानी थी, तो नानी लोग जब क्या नाम है, आज तक कभी ज़िंदगी में कभी उन्होंने किसी गैर मर्द के सामने आनी है आई, तो हमेशा उन लोगों ने पर्दा किया, सब कुछ किया, तो कभी भी उन लोग को अपने व्लॉग में ला के कोई मतलब नहीं है। आज के जो यूथ है वो ठीक है, लेकिन पुराने कुछ नहीं, पुराने लोगों को नहीं। कुर्ते बनाने में बिता दिया है? पूरी ईद कुर्ते बनाने में बिता दिया हमने। अब पिछले बार से 2 बनवा देंगे हम लोग को, लाइन में खड़े हुए 2-3 मिनट ज़्यादा हो गया तो फ्री हो जाना चाहिए। तो भाई अभी हम लोग निकल आए हैं, और हम लोग निकल के कम से कम कवर कर चुके हैं अब तक 45 किलोमीटर, और 45 किलोमीटर अब तक हो चुका है, और ये पहला टोल भी आ गया है, और बस अब चल रहे हैं, और साथ में आगे मतलब बहुत आगे दानिश भाई भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिलने मिलने के बाद हम लोग निकल चुके थे, और अभी हम लोग करीब 50 किलोमीटर तक गाड़ी चला चुके हैं, और अब चलाते हैं और मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट भटोई पे। तो भाई पहुंच गए हम यहाँ पे भटोई, और आज आपको दिखा भी देंगे, कोई खाएंगे तो दिखा भी देंगे, पहले तो खाया नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं था। और दानिश भाई लोग भी अंदर हैं, बहुत तेज़ चलाया है मैंने, अपना टीम तेज़ चलाया है, 1 घंटा 20 मिनट में मैं यहाँ 200 किलोमीटर पहुँचा हूँ, बहुत तेज़ चलाया भाई, बहुत जाम था, बहुत तेज़ चलाया। लेकिन ईद मुबारक हो, चले चले कहाँ है तो अभी भाई हम खा रहे हैं मटका कुल्फी, और ठंडे में यही है, और पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी है। कौन सा क्या खा रहे हो? ये पिज्जा है। खाएगा? कौन सा पिज्जा? कौन चीज पिज्जा? कहाँ का है पिज्जा? भटोही का। ये कौन सा पिज्जा है? भटोही का। देखिए सोशल से बोले जो बोलेंगे सीधा ब्लॉग में आएगा। ये क्या लेके आए हो? ये हाँ दे दो एक पैकेट चिप्स। क्या है ये? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल नहीं है, बॉलिंग बॉल है। हाँ कहाँ खेलोगे इसको? अरे यार लगाओ, रोड पे लगाओ, चलो आओ रोड पे लगाओ। अभी हम लोग सब लोग भटोई से निकल चुके हैं, और अब चला रहे हैं हमारे भाई साहब गाड़ी, और हम यहाँ बगल में बैठे गाना सुनेंगे, और मिलते हैं फिर अब डायरेक्ट आप लोग को लखनऊ में। ओ अजनबी दिल की एक बात है अनकही, जब से देखा
खूब मजे किए लग रहा है, खूब पंखे नहीं गिरे हैं तो ये नए पर्चे बनते हैं इनके, तो ये पुराने पर जो खराब हो रहे थे वो हटा देते हैं अपने मुँह से खुद ही। फाइनली अब जाके अपने घर पहुंच चुके हैं और अब मस्त शांति से यहाँ बैठे हैं। आज नींद अच्छी आएगी क्योंकि अपना बिस्तर होता है, चाहे जितना अच्छा बिस्तर, मतलब नींद हर जगह आ जाए, अब की बार अच्छी आई है, कोई ख़राब नहीं आई है, लेकिन कल देखना ज़्यादा सोऊंगा मैं। तो अभी चलो आके घर पे बैठ गए। आज चिड़िया का देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और अभी मुझे पता चला कि मेरे बर्थडे पे सागर भाई एक चॉकलेट लेके आए थे, तो वो भी फ्रिज में रखी है, अभी वो भी खाऊंगा। और ठीक है, अब पता चल रहा है बर्थडे को जमाना हो गया और अब पता चल रहा है। चॉकलेट और ये देखिए हमारा कोल्ड स्टोरेज जब ख़त्म पे आने वाला होता है ना, तो मम्मी इतना सब कुछ लेके ला के पहले ही पैक कर लेती है, फिर साल भर यूज़ करती हूँ। और ये चॉकलेट अभी देखा मैंने, चलिए अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे इसको। तो भाई घर पे आए तो ये पता चला ये क्या नाम है मिंत्रा की आई थी, जो जीन्स आप लोगों को बता नहीं रहे थे वो यही थी जीन्स, अब आ चुकी है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। खुल गया, ये है, ये है जीन्स। चलिए उसको पहन के देखते हैं। और हाँ, जो हमने बोला था वही वाली मंगवाया भी है उन्होंने, चलिए पहन के देखते हैं। तो ये है जीन्स, ऐसी कुछ है, ये ट्राउज़र टाइप की वाली जीन्स जो नहीं होती है वो वाली है, ऐसी टाइप की दिखती है, अच्छी लग रही है, ऐसे तो सही आ रही है। मैंने इसके ऊपर पहना था तब की, तभी ठीक थी। तो भाई एक काम और बचा, बस गाड़ी को अब अंदर करना है, और फिर गाड़ी का अंदर करके आज थोड़ा रेस्टी वाला रहेगा कि आराम से लेट जाऊंगा, और क्या नाम है, फिर खाना ना खा के हम लोग नॉर्मल बैठेंगे। तो गाड़ी अंदर कर दें, आपको दिखा दें गाड़ी कितनी चली हमारी। तो देखिए गाड़ी हमारी चल गई 11,296 किलोमीटर, मतलब मैं यहाँ से निकला था 10,803 पे, तो लमसम आप लोग जोड़ लीजिएगा भाई, अभी हम बताने के मूड में नहीं है। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आप लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो भाई सब लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप जैसे लोग जान ही रहे हो कि आपका भाई आजकल डेली लाइव ब्लॉगिंग कर रहा है, 8 दिन से लगातार ब्लॉग डाल रहा है, कोशिश रहेगी कि आप डालता ही रहूँगा, और बस आप लोग सपोर्ट करिए और कुछ नहीं चाहिए। बाय बाय। जैसे हर पल तू मेरे साथ है, दिल की मान मालियों से तेरी ही कहानियों से, देखो कितनी बातें हो गई, तेरी मुस्कुराहटों से मेरे दिल की चाहतों को मंजिल ये सारी।